इनका जो सीएजीआर है, यानी कि इनका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो है, इट इज मोर देन 20%। यानी कि ये जब से अपने जीवन में पैसे कमाना चालू किए हैं ना, वो हर साल 20% 20% 20% की ग्रोथ मार रहे हैं। ऐसा इतिहास में बहुत ही कम लोग हैं। आपको लगता है 20% कमाना कौन सी बड़ी बात है? भैया 15 साल की उम्र से लेकर हर साल कैलसीपे 20% 20% 20% करोगे ना, आपका 100 रुपया भी इतने बिलियन डॉलर हो जाएगा, आपको समझेगा नहीं। नहीं समझे? शुरुआत में उन्होंने अपनी जो काम किए थे, इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम वेरी ओनली 10,000 डॉलर्स है। 10,000 डॉलर का मतलब कितना होता है? 8 लाख, 8 लाख के आसपास होता है। ये 8 लाख रुपए उन्होंने आज बना दिए 100 बिलियन डॉलर्स। वो बोलते हैं 100 बिलियन डॉलर बना के मैंने बहुत बड़ा काम नहीं किया, मैंने बहुत ग्रोथ नहीं की, मैंने सिर्फ 20% ग्रोथ कर रहा हूं। क्योंकि अगर आपने एक वर्ड सुना होगा कंपाउंडेड, जो आपने सीए फाउंडेशन में पढ़ते हैं आप, कंपाउंडेड, ये कंपाउंडिंग का जो पूरा मैजिक है, पूरे सबसे पहले दुनिया में किसने बताया था, ये इस बंदे से। वो बोलता कंपाउंडिंग का लॉजिक समझो। वो बोलता आप भी बहुत पैसे वाले बन सकते हो अगर आप कंपाउंडिंग करते रहे तो। कैसे पता है? 100 की चीज 100 की, एक मान लो 1 करोड़ रुपए है, अगले साल कितने बनेंगे? मैजिक देखना है, लगाओ जरा मैजिक दिखाऊं आपको। मैजिक दिखाता भाई साहब, पैसे वाला, आपको पैसे वाला बनना है ना, 2 मिनट में पैसे वाला बनाते आपको खड़े खड़े। मान लीजिए आपके पास शुरुआत में जिंदगी में हो गए, आपकी शुरुआत होगी 1 करोड़ से, बराबर है? बराबर है। अब एक काम करो, 1 करोड़ लिख दो, प्लस लिखो 20%, 20 लाख। अभी एक एक साल में बन जाएंगे, अब करो प्लस 20%। आप कितने साल में बन गए? अब तीसरे साल 1 करोड़ 77, फोर्थ करते रहो करते रहो, फोर्थ में भी करो, 4 साल में डबल हो गए आपके। अब देखना, अब जादू देखना है ना आपको, आपको मैं बैठे बैठे पैसे वाला बनाता हूं। अगर आपने जीवन में जिस समय 1 करोड़ का संचय कर लिया ना, मैं आपको बता सकता हूं कि आप कुछ ही सालों में 1,000 करोड़ के व्यक्ति बन सकते हो। ये जितने भी लोग पैसे वाले बनते हैं ना, वो ये मत देखना कि पैसे वाले बने, ये देखना कि उम्र की उनकी उम्र कितनी है। आज के बाद में ये जरूर देखना कि तेरी एज कितनी है। अगर वो 90 साल की उम्र में इतना बड़ा पैसा, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। बिकॉज उसने हर साल का, उसको हर 4 साल में उसके पैसे डबल हो रहे। नहीं समझे? अभी मैं आपको मैजिक दिखा रहा हूं, करो ऐड करो 20% ऐड करो, 5वें साल में कितने होंगे? और करो 6th में 7th में 8th तक पहुंच जाओ, 8th ईयर में कितने हो जाएंगे? 4 करोड़ तक पहुंच गए आप। मात्र 8 साल में आपने 1 के 4 बना दिए मात्र आपने। आपको सिर्फ बता रहा हूं, जीवन में अगर पैसे वाला बनना है, 1 करोड़ लेके आना, मैं आपको 1,000 करोड़ बना के दूंगा। आप सिर्फ 1 लाना मेरे पास में, मैं 1,000 बना के दूंगा। 8 साल में हो गए 4, अब बोलेंगे 4 ही बने 1,000, करो ना अब, करो वापस, अब 4 तक रुकना मत। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, वॉरेन बफेट का गणित में आपको, वॉरेन बफेट की भाषा बता रहा हूं। कितना हुआ? 8 हो गया ना, अब करो और 4। सर 8 ही हुए अभी तक। अरे देखो तो सही, आप मजे, मैं आपको मजे दिलाता हूं। कितना हुआ? 18। ये कितने साल में हुए? 16 साल में हुए, अब करो वापस से। सर 18 साल में इतने ही बना, अरे तुम करो तो सही, मैं आपको बस थोड़ी देर में 1,000 करोड़ बनाता हूं। 38 करोड़, कितने? 20 साल में हो गए आपका 1 करोड़ बना, और 20% रिटर्न कमाना बहुत सामान्य बात है। वॉरेन बफेट कहते हैं जीवन में आपको पैसे वाला बनने के लिए बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस करने की जरूरत नहीं है। छोटा मोटा बिजनेस करो जिसमें 20% प्रॉफिट होगा, पर गलतियां कम करना। वो बोलते हैं अच्छे काम कितने ज्यादा करेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, खराब काम कम करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 20% की ग्रोथ रुकना नहीं है। अब 20% सामान्य चाय वाला भी कमाता 20% रिटर्न। ओके अब करो अगला वापस से, 20% 4 बार ठोक दो आप। अब कितने साल हो गए आप? कितने साल हो गए? 24 साल में कितने हो गए आप? आप करो ना, आप देखो, आप देखो, आप इफेक्ट आएगा कंपाउंडिंग। कैसे वॉरेन बफेट पैसे वाले बने? ऐसे बने, आप दारा लगाओ। अभी तो 24 साल ही उम्र ही खत्म हुई, उन्होंने अपना धंधा चालू किया था 15 साल की उम्र से, 40 साल में इतने बना दिए थे। 160 करोड़ आपको कब मिलेंगे? 28 साल में। लगाओ जरा, थ्री फोर्टी वन
कितने साल में? 32वें साल में। कितने पैसे? 341। आगे चलो। हाँ ज्यादा नहीं, आपकी उम्र में 1000 करोड़ का इंसान बनाऊंगा मैं आपको। 708 करोड़ के आपकी उम्र के 36 साल में। आगे 40 साल तक काम करेंगे ना कम से कम। हो गए 1500 करोड़ के इंसान आप। आपका 1 करोड़ बनेगा, यही वॉरेन बफेट बोल रहा है। यही वॉरेन बफेट बोल रहा है, बोलता है मैंने बहुत काम नहीं किए, लोग मुझे बहुत बड़ा समझते हैं पर मैंने बड़े काम नहीं किए, मैं आम आदमी हूं। पर मैं एक चीज को समझाऊं जिसका नाम है कंपाउंडिंग। मैंने 20% के हिसाब से हर साल पैसे कमाए। मैंने बहुत बड़े बड़े, मैंने इलॉन मस्क नहीं बोलता, मैं इलॉन मस्क ने रॉकेट साइंस बनाया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने लोगों के धंधे में पैसे लगाए। मैं इतना होशियार भी नहीं हूं पर मैं 20% कमाने वाला इतना तो होशियार हूं। एक बार और चार कर लीजिए, बस इतना काम करोगे उम्र के 44 ईयर्स आपको काम करना है। यानी कि आप जिस दिन से सीए बनोगे 60 साल की एज में आप रिटायरमेंट लोगे, आपके पास में इतने पैसे होंगे। कितने भाई साहब? यहाँ पे हर कोई बंदा बैठा जो है ना, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके घर वालों के पास में 1 करोड़ होगे तो बोलना पापा एक नहीं आपके इसमें 3000 करोड़ है। और ये गणित आप बताना आज घर वालों को जाके, अपने आपको छोटे बाप का नहीं समझने का। आई एम टेलिंग यू आपका एक बनेगा 3000 करोड़। आई एम टेलिंग यू, उसमें भी अगर आपने बहुत ग्रोथ हासिल कर ली ना, अगर आप 25-30 की ग्रोथ वाले इंसान हो तो समझ जाने 25 साल 30 साल में आप इतने बन जाओगे। बड़ा बनने के लिए हौसला चाहिए, पैसे नहीं। आपको 20% पैसे कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, जिन लोग को थोड़ा धंधा समझता होगा। 1 करोड़ के लगा के 1 करोड़ 20 लाख बनाना एक साल में, ये बहुत अफलातून काम नहीं। 1 का 2 बनाना बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपको 20% वो बोल रहा, एकदम सामान्य चीज बोल रहा हूं। आप केवल 40 साल में बच्चों कहां पहुंच रहे? यू आर बिकमिंग व्हाट? 3000 करोड़। अगर और वॉरेन बफेट क्यों पैसे वाले बने? आज भी काम कर रहे हैं वो, 15 साल की उम्र से चालू किए तो 60 साल तक तो इतने बन गए थे। अब उनके 60 साल के बाद भी अभी 32 साल और काम किए उन्होंने। प्रॉब्लम यही हुई राकेश झुंझुनवाला 56 साल, उनकी जो स्टेट थी फिर भी उन्होंने, क्योंकि उन्होंने 1 से नहीं चालू करे, वो 10 करोड़ से स्टार्ट किए थे, तो इसलिए वो 60,000 करोड़ कमा के मर गए। पर उनकी रफ्तार जो थी और वॉरेन बफेट की रफ्तार सेम थी, सिर्फ इतना ही था वॉरेन बफेट वेल्थ में भी इन्वेस्ट कर रहे थे। तो 30 साल और जिए तो 30 साल अब कितने? 7 और डबल मिलेंगे, नहीं समझे? क्योंकि 4 4 4 4 और हुए तो अब लगा लो 3 को 3 के कितने बनेंगे? 4 साल में 6 हो जाएंगे। डबल डबल मारते रहो अब, फिर और कितने होंगे? 12 हो जाएंगे, फिर 24 हो जाएंगे, फिर 48,000 करोड़ हो जाएंगे, फिर 48 को और डबल ले लो, 1 लाख करोड़ के आसपास हो जाएंगे, फिर वो 2 लाख। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आप बन गए ना, आप ही वॉरेन बफेट हो। वॉरेन बफेट ने यही काम किया क्योंकि ही इज वर्किंग। वो क्या बोल रहा? ध्यान से सुनना भाई साहब, आपको ये ज्ञान जो है ना फोकट में मिल रहा है, ये ज्ञान में आप समझेगा, इंसान की सोच बड़ी होना चाहिए तो कामयाबी जरूर बड़ी होगी। आप अगर सोचोगे अपन थोड़ी ना वॉरेन बफेट है, वो बोल रहा मैं बड़ा आदमी से नहीं हूं, मैंने इतनी भी अकल नहीं कि मैं दूसरा खुद का धंधा बनाया, मैं तो दूसरों के धंधे में लगाता हूं, मैंने कुछ बड़ा काम भी नहीं किया, फिर भी उसकी एक ही अच्छा काम किया उसने, हर साल 20% कमाया और वो 92 ईयर्स तक जिया। और वॉरेन बफेट तो इनसे इनसे भी ज्यादा पैसे वाले अपने राकेश झुंझुनवाला बनते, उनकी ग्रोथ रेट तो इनसे ज्यादा थी। तो इसलिए क्या समझ में आ रहा है? दो चीजों में, इसलिए रोज 1-2 घंटा जो जिम जाना जरूरी है ताकि अपन 90 तक पहुंचे, वरना आखिर के 30 मिलेंगे नहीं। इसलिए मैं रोज अभी आज भी जाके आया, आज जिम जाके और इधर आया क्योंकि मेरे को 90 तक जाना है। क्योंकि मैं अगर बहुत भागा 60 में चला गया, वो आखिरी के 7 डबल नहीं होंगे मेरे, और आखिरी के 7 में बहुत मजा है, वो 3000 से 2 लाख करोड़ लेके जा रहा है। तो आखिरी के 30 का जो मजा ना पहले 40 में भी नहीं है, नहीं समझे? पहले आप 45 साल में 3000 करोड़ कमा रहे हो, उसके बाद में सिर्फ 4 साल में 3000 करोड़ कमा रहे हो, नहीं समझे? जिसको मैथ समझते हो समझ रहे होंगे। इसलिए आपको 60 साल के बाद में जितने भी लोग यहां पे जिएंगे, पैसा नोबडी कैन स्टॉप यू। इसीलिए हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है, वरना 60 साल के बाद में आपकी बत्ती गुल तो ये सारे डबल 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 सब खत्म हो जाएगा। आपको 7 डबल नहीं मिलेंगे, तो आपको जो 2 लाख करोड़ मिलना है 3000 करोड़ पे खत्म हो जाओगे। तो इसलिए क्या करेंगे? ये तो करना जिम आने के, आप कुछ हेल्थ के लिए करो ताकि आप ज्यादा समय तक जियो। पैसे कमाएंगे, हम में क्षमता है कि हम 1000 करोड़ के बनेंगे, पहली बात।
और हमें और पैसे वाला बनना है तो पैसा नहीं चाहिए, उम्र चाहिए, हेल्थ चाहिए, हेल्थ चाहिए, वरना हम आखिरी वाले नहीं जी पाएंगे। ध्यान में रखना, हर कोई बंदा अगर यहां पे एक घंटा अगर अपने अपने हेल्थ के लिए नहीं दे रहा है तो मान लो उसकी उम्र अगर कम हो रही है तो समझ जाना एक दिन भी आपके लिए करोड़ों का हो सकता है। अगर आपकी उम्र आखिरी वाले कुछ दिन कम हो गए तो समझो कुछ करोड़ कम हो गए, क्योंकि आखिरी के दिनों में आप ये हो सकता है कि आप हर दिन में एक करोड़ कमाओ, बिकॉज आपको हर 4 साल में 3000 करोड़ मिलेंगे। आर यू गेटिंग मी? तो सोचो ना, 1200 दिन में 3000 करोड़ मिलेंगे, यानी हर दिन में आप 2 करोड़ कमाओगे। इसलिए आपकी उम्र एक दिन भी वर्कआउट नहीं तो समझना 2 करोड़ का लॉस हो गया। मैं तो यही सोचता हूं, मैं एक दिन जिम में निकलता हूं यार लॉस हो गया 2 करोड़ का। आपकी कसम मैं यही सोचता हूं। आप मेरे ऊपर हंस रहे ना, हंसो, मैं 60 साल के बाद में आप मेरा नाम इंडिया के टॉप 100 में देखोगे, अभी नहीं देखोगे। आपको लग रहा कुछ भी बोल रहा हौला आदमी है, आप बोलो जो बोलना है। मैं देख रहा हूं उन्होंने क्या किया, वो कुछ नहीं बोल रहा है, वो सीधा सीधा लाइन बोला है, और आपने इतना तो नॉर्मल कॉमन सेंस जो क्या बोल रहा है, एक दिन में वर्कआउट ना करूं एक दिन पहले मर जाऊं तो 2 करोड़ रुपए लॉस हो गए मेरा। मैं जितने दिन अपनी डेथ को प्रोलॉन्ग करूंगा प्रतिदिन 2 करोड़ से आगे मैं बढ़ रहा हूं।